नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका दिव्यांग न्यूज चैनल के मुलाकात कार्यक्रम में। आज मुलाकात करेंगे हम क्वार्क इंस्टीट्यूट के मुख्य संचालक श्री रवि कुमार साहब से। तो स्वागत करते हैं सर आपका। थैंक यू। क्वार्क इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग और मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम की शिक्षा प्रदान करते हैं और साथ ही साथ रवि कुमार जी वीर नर्मद सऊदी यूनिवर्सिटी में ऐसा विजिटिंग लेक्चरर जाते हैं, आईएएस की जो क्लासेज वहाँ पे ली जाती है उनके लिए भी। तो स्वागत दोबारा आपका सर। आज हम इकट्ठा हुए हैं क्योंकि एजुकेशन के फील्ड से हो आप और जो कोरोना वायरस की जो बीमारी जो महामारी फैली है पूरे देश में पूरे विश्व में उसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे, आपका जो ज्ञान है उसका थोड़ा आदान प्रदान करेंगे, लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएंगे कि ये जो वायरस है वो क्या है और उसका ये जो संक्रमित लोग हैं उनको उसके लिए क्या क्या उसकी चेतावनियां हैं और कैसे उसको निपटा जा सके। तो सबसे पहला मेरा एक सवाल कि कोरोना वायरस जो नाम है वो कैसे पड़ा है। कोरोना शब्द अगर आप जाएंगे, बहुत अच्छा सवाल है, आम आदमी को ये पता होना चाहिए कि कोरोना शब्द एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड में कोरोना का मतलब होता है क्राउन या हेलो, हेलो जो आभामंडल बनता है क्राउन। तो जब आप कोरोना वायरस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको उसको जो स्ट्रक्चर उसका दिखता है, उसका जेनेटिक मटेरियल दिखेगा और उसके चारों तरफ प्रोटीन का लेयर इस तरह से लगा है कि वो एक क्राउन जैसा दिखता है, एक ताज की तरह, क्राउन की तरह दिखता है। स्पाइक्स भी होते हैं और स्पाइक्स जो प्रोटीन का जो स्पाइक्स हैं वो प्रोटीन के स्पाइक्स हैं और उसके बीच में जेनेटिक मटेरियल राउंडेड शेप में है। तो वो जो स्पाइक और क्राउन मिलके उसको एक क्राउन का शेप लुक में क्राउन जैसा दिखता है, इसीलिए लैटिन वर्ड कोरोना क्राउन को डिनोट करने के लिए कोरोना शब्द यूज किया गया और इसका एक कॉमन नाम आम आदमी की भाषा में कॉमन नाम कोरोना है। वैसे इसको साइंटिफिकली कहे एक्चुअल नेम तो इस वायरस जिसकी आप हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं उसको हम COVID-19 कहते हैं, COVID-19 COVID-19। तो ये नाम इस तरह से इसका है। तो ये जो कोरोना वायरस है ये उसकी उत्पत्ति शायद चीन से हुई है, लेकिन चीन में ये जो वायरस है आया कहाँ से? हाँ, आप देखेंगे कई सारे वायरस का ओरिजिन पॉइंट और कई सारे वायरल डिजीज का ओरिजिन पॉइंट चीन बन गया है पास्ट में भी। ये भी एक बहुत गहरा रिसर्च और रहस्य का विषय है, इस पर लोगों का ध्यान आकर्षित होना चाहिए दुनिया का। कोरोना के केस में भी, जिसको हम COVID-19 कहें अगर, तो उसके केस में भी इसकी उत्पत्ति चीन में हुई और वहाँ से पूरी दुनिया में ये फैला है। आज तो 165 कंट्री से ज़्यादा ये फैल चुका है। तो सबसे पहले बेसिकली हम कोरोना कोई नया शब्द नहीं है, कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसके कोरोना वायरस का मतलब है अ फैमिली ऑफ वायरसेज, इट इज़ नॉट द नेम ऑफ ए सिंगल वायरस। कोरोना एक फैमिली ऑफ वायरसेज हैं और आप कॉमन फ्लू से लेके सांस से रिलेटेड कई तरह की बीमारी जैसे सार्स हुआ, मर्स हुआ, ये सारी बीमारियां कोरोना वायरस से ही हुई। लेकिन अभी जिस हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं वो कोरोना वायरस अलग है। आप सबसे पहले आम लोगों को ये भी जानना चाहिए कि कोरोना कोरोना शब्द सुन के डरे नहीं, क्योंकि अगर हमारे आपके जैसे हेल्दी लोगों को की भी अभी टेस्टिंग की जाए तो इसमें कोरोना का वायरस नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ, ध्यान से समझे, कोरोना वायरस मिलेगा, मिल सकता है, COVID-19 नहीं, कोरोना। कोरोना जो, क्योंकि इससे कॉमन फ्लू का भी वायरस है और इससे कोई डेथ नहीं होता, इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। तो कोरोना के कई स्ट्रेन हैं, कई इसकी जातियां हैं और उस जाति की मैं बात कर रहा हूं। अब COVID-19 कैसे बना, अगर आप साइंटिफिक फैक्ट की तरफ ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली ये जो COVID-19 है पहले ये म्यूटेंट वर्जन है, इवॉल्व हुआ वायरस है। पहले ये एनिमल वायरस था, जानवरों में पाए जाने वाला वायरस था और जानवरों से म्यूटेशन के बाद, इवोल्यूशन के बाद ये ह्यूमन वायरस बन गया है। इसके पहले तक ये जानवरों में पाए जाने वाला वायरस था, लेकिन चाइना में जानवरों से बहुत गहरा रिलेशन है, चाहे वो खेती बाड़ी से हो, चाहे आम जीवन में उनके साथ जानवरों को पालना, उनके साथ रहना हो, बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहना। और तीसरी सबसे खास बात है कि चाइना में हर जीव जंतु को, कीड़े मकोड़े से लेके पशु पक्षी से लेके हर मेढक, सांप, छिपकली, रेप्टाइल, सारे चीज़ों को खाने की एक परंपरा है। ऐसा कहा जा रहा है कि सूप
जो ये बनाते हैं उसमें वहां बैट यानी चमगादड़ और सांप के सूप को अधपका करके सूप बना के पीने से भी ये वायरस की शुरुआत हुई है, ये ह्यूमन में आया है और म्यूटेंट होके ये ह्यूमन वायरस बन गया है। और जब ये ह्यूमन सेल में अब अपने तरह से ग्रो हो रहा है, तो इसकी शुरुआत चाइना में इस तरह से हुई है। तो ये चाइना से शुरू होके तकरीबन सारी कंट्रियों में पहुंच चुका है जी ये जी महामारी। तो जी यूएसए और यूरोप में इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, फिर भी इस महामारी को कंटेन नहीं कर पा रहे फिलहाल, बिल्कुल, उसकी क्या वजह है? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। अभी तक जब हम जब भी अब मान लीजिए हम तो भारत के संदर्भ में बात करें, भारत के बारे में जब भी कहा जा रहा है तो ये कि भारत में मेडिकल फैसिलिटी बहुत पुअर है, प्राइमरी हेल्थ सेकेंडरी हेल्थ या जो भी जो फैसिलिटीज है वो सब बहुत पुअर है, चलो ठीक है ये बात हम मान लेते हैं। यूरोप के 52 कंट्रीज में अगर मान लो ये फैला हुआ है, यूरोप में पूरा यूरोप में लगभग पूरा यूरोप इसके चपेट में है, पूरा यूनाइटेड स्टेट्स इसके चपेट में है, तो यूरोप और अमेरिका का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो कमजोर नहीं था, वो तो डेवलप है, फिर ये कोरोना को क्यों नहीं कंटेन कर पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए इसके सब कई कारण है। पहली बात, ये सिर्फ हॉस्पिटल दवाई और डॉक्टर्स का मामला नहीं है कोरोना, ये हमें ठीक से समझना पड़ेगा। दुनिया के देशों ने ये समझा जो हमारा नॉर्मल बीमारियों के बारे में क्या है कि जितनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी रहेगी, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, जितने डॉक्टर्स और नर्सेज हमारे पास रहेंगे, उस बीमारी को हम रोक लेंगे। हालांकि ये भी एक मिथ है, आप देखेंगे दुनिया में डॉक्टर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है, हॉस्पिटल की संख्या बढ़ती चली जा रही है और बीमारियों की संख्या और उनसे होने वाले डेथ की संख्या भी उससे कई गुना बढ़ती चली जा रही है। ये प्रश्न डॉक्टर और नर्स पे नहीं है, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी अकेले किसी बीमारी को कंटेन नहीं कर सकती है। लोग अगर सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज पर डिपेंड रहेंगे, डॉक्टर और नर्स पे डिपेंड रहेंगे, तो कोरोना जैसा कंटेजियस वायरस जो तेजी से संक्रमित होने वाला वायरस है, ये कभी कंट्रोल में नहीं होगा। और यही गलतफहमी यूरोप वालों को थी, अमेरिका वालों को थी कि हम मेडिकल फैसिलिटी के बल पे इसको कंटेन कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, और ये उनका मिथ बर्स्ट हो गया, गलतफहमी दूर हो गई और बहुत बैडली। अब देखिए आप, इटली एक डेवलप्ड यूरोपियन कंट्री है, मात्र 6 करोड़ पॉपुलेशन है और क्या हालत है उसकी? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वहां लोग सेल्फ रेस्ट्रेंड, सेल्फ डिसिप्लिन, जब तक आम आदमी कोरोना से लड़ाई में नहीं उतरेगा, अपने को डिसिप्लिन नहीं करेगा, ये बीमारी कंट्रोल में नहीं आएगी। जैसे ये महामारी की खबर आई और जैसे महामारी फैली जी, तो सब लोग टूट पड़े हैं मास्क पे और सैनिटाइजर से। यस, क्योंकि ये अवेयरनेस क्रिएट किया गया है कि मास्क पहनने से ये जो कीटाणु है वायरस, ये नाक के द्वारा अंदर आपके फेफड़े में नहीं घुसेगा और अगर घुस ये अवरोध करेगा। हाँ, मास्क मतलब रोक लेगा, रोक लेगा। तो मास्क किसको पहनना चाहिए और कौन सा मास्क पहनना? राइट, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है कि मास्क किसे पहनना चाहिए। अभी जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो कई लोग बिना बातों को ठीक से समझे उसके उस खासकर इस तरह के बीमारी के केस में अगर आप बिना चीज़ों को समझे आप जंप कर जाते हैं तो इसके नेगेटिव और हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। अब सवाल है मास्क किसको पहनना चाहिए। आप, मैं अभी थोड़े दिन पहले एम्स के डायरेक्टर को सुन रहा था, आप किसी भी वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से, इंडिया के या विदेशी के किसी भी डॉक्टर से आप बात कीजिए, उनकी बातों को सुनिए, तो वो क्या बता रहे हैं, मास्क दो ही लोगों को पहनना चाहिए। पहला, जो पेशेंट है, जो डायरेक्ट जिसमें इन्फेक्शन डिटेक्ट हो चुका है, एस्टैब्लिश हो चुका है कि दिस पर्सन इज नाउ इन्फेक्टेड विथ COVID-19, तो ये जैसे ही इन्फेक्शन जो इन्फेक्टेड पर्सन है, ताकि उनसे स्प्रेड ना हो, साथ ही साथ उनके घर के लोग जो उनके आसपास रह रहे हैं, अगर वो सेल्फ क्वारंटाइन में रह रहे हैं, क्वारंटाइन में रह रहे हैं, उनको तो एक तो उनको पहनना चाहिए, इन्फेक्टेड पर्सन और उनके आसपास रहने वाले लोग। दूसरा, जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं हमारे, नर्सेज हैं, और जितने डॉक्टर्स और नर्सेज इंडिया के और दुनिया के जो काम कर रहे हैं उनको सल्यूट करने का समय है ये। मैं तो ये इस बीच में ये भी कहूँगा कि सारे डॉक्टर्स और जितने भी हेल्थ पर्सनल हैं उन्हें सल्यूट करने का समय है। तो आप मास्क जो हैं
उन डॉक्टर्स और उन हेल्थ वर्कर्स को पहनना है जो कोरोना के प्रिवेंशन और क्योर में लगे हुए हैं। बाकी लोगों को इसलिए नहीं पहनना चाहिए कि पहला, इससे एक फियर साइकोसिस डेवलप होता है, हर आदमी मास्क लगा के घूम रहा है, ये कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है, ये आपके इंटेलेक्चुअलिटी और अवेयरनेस का परिचायक नहीं है, आप डर डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। दूसरा, मैक्सिमम मास्क जो पहन रहे हैं वो मास्क कोरोना को रोकने में शायद पॉसिबल सक्षम ना हो, लोग गलत तरीके से मास्क पहन रहे हैं। सबसे जो इफेक्टिव मास्क है वो N95 मास्क है। N95 मास्क बहुत सीमित संख्या में है, अगर हर आदमी लगाना शुरू कर दे तो देश में 130 करोड़ का पॉपुलेशन है, 130 करोड़ नहीं, बहुत कम संख्या में N95 मास्क बचा हुआ है। तो सबको क्यों नहीं पहनना चाहिए कि अगर सब हेल्दी लोग भी लगा लेंगे, अनइन्फेक्टेड लोग भी लगा लेंगे, तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है और जो हेल्थ पर्सनल है उनके लिए N95 मास्क नहीं बचेगा और ये पेंडेमिक बहुत तेजी से फैल जाएगा। तो इसलिए ये फैशन स्टेटमेंट नहीं है और ये फियर साइकोसिस ना क्रिएट करें। आप सावधानी रखें, पेशेंट से डिस्टेंस बना के रखें, सेल्फ डिसिप्लिन में रहें, लेकिन हर आदमी मास्क पहन के घूमने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कोरोना का अगर टेस्ट करवाना है तो कब करवाना चाहिए? राइट, अब देखिए कोरोना टेस्ट के बारे में भी जानकारी, आपने एक सवाल बड़ा रिलेवेंट सवाल पूछा कि कोरोना टेस्ट कब और किसे कराना चाहिए। अभी जिसे भी सर्दी खांसी और बुखार आ गए, सर्दी खांसी बुखार नॉर्मल फ्लू या इस तरह से जो आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होते हैं, अगर ये हो जाए तो आप सीधे हॉस्पिटल में कोरोना का टेस्ट कराने ना चले जाएं। पहली बात, कोरोना का टेस्ट महंगा है, सरकारी हॉस्पिटल में 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्च आता है और अगर आप प्राइवेट क्लिनिक में जाएंगे तो वो 10 से 12 हज़ार का खर्चा है, पहला कोरोना। दूसरा, ये तो छोटी बात है, पैसे की बात तो छोटी है, पूरे देश में आज के समय का, आज के डेट की मैं बात करूं तो 1.5 लाख से भी कम कोरोना वायरस टेस्टिंग किट है, less than 1.5 लाख टोटल अवेलेबल किट। और अभी दुनिया में इतनी तेजी से ये फैल चुका है कि बाहर से भी कोरोना किट बहुत बड़ी संख्या में देश में इंपोर्ट हो जाएगा, इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी ज़रूरत है, तो देगा कौन हमें। तो अभी देश में 1.5 लाख से भी कम कोरोना टेस्टिंग किट अवेलेबल है, अगर हर आदमी कोरोना टेस्ट कराने चला जाए तो एक्चुअल जो जिनको टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी उनके लिए कोरोना किट अवेलेबल ही नहीं रहेगा और वो ऐसे ही मर जाएंगे। तो टेस्ट कब कराएं? नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार छींक ये बहुत लोगों को हो सकती है, पहले भी होती है, आज भी है और आगे भी होगी। इसके सर्टेन लक्षण हैं और वो कुछ दिनों तक परसिस्ट करें, जैसे एक नॉर्मल सर्दी की मैं बात करूं तो 3 दिनों में नॉर्मल सर्दी और उससे रिलेटेड सिम्टम्स गायब हो जाते हैं अपने आप जानते हैं वायरस का कोई इलाज नहीं है, सर्दी के कोल्ड वायरस का भी साइंस के पास कोई इलाज नहीं है, मेडिकल के पास एक सर्दी का वायरस का भी कोई इलाज नहीं है। तो इलाज किसको, टेस्टिंग किसको करना चाहिए, जब सिम्टम्स परसिस्ट करें 5 to 7 डेज के बाद भी अगर सिम्टम्स लगातार बने रहें, सिम्टम्स क्या क्या हैं, कोल्ड कफ जो रनिंग नीज है, स्नीजिंग आती रहे, माइल्ड फीवर रहे, सिर में हेडेक रहे, सिरदर्द रहे और साथ में डायरिया भी नए लक्षण के रूप में जुड़ गया है, ये सारे लक्षण 5 to 7 डेज तक कंटिन्यू करें तो उस आदमी को टेस्ट के लिए जाना चाहिए, हर आदमी को नहीं जाना चाहिए। जिन जो व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हो, हाँ, तो उसकी हर एक की मृत्यु हो जाएगी कि, हाँ, मोर्टेलिटी रेट की बात, राइट। देखिए, हाँ, अब जो डर बन रहा है कोरोना वायरस के बारे में, कोरोना का हमें मुकाबला करना है, कोरोना के विरुद्ध स्ट्रेटजी तैयार करनी है, सावधानियां बरतनी है, लेकिन डर का माहौल नहीं पैदा करना है। आपको जान के आश्चर्य होगा, इबोला वायरस का नाम आपने सुना होगा, इबोला वायरस का मोर्टेलिटी रेट 70% है, 70%, लेकिन कोरोना वायरस का मोर्टेलिटी रेट क्या है? कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में अभी तक 11,000 के करीब, अभी के डेट में 11,000 तक लोग के करीब लोग मरे हैं, 11,000 पीपल हैव डाइड टिल डेट, और अभी तक पूरी दुनिया में 3 लाख से ज्यादा संक्रमित लोग हैं। सामान्य अगर डॉक्टर्स के एडवाइस के हिसाब से मैं बात करूं तो कोरोना वायरस की मोर्टेलिटी रेट 2.5 से 3% के बीच में है,
अगर सरल शब्दों में बताऊं तो अगर 100 लोग इन्फेक्टेड हैं तो उसमें से मोर्टेलिटी रेट मरने वालों के चांसेस 3 लोगों के हैं, और वो भी 85% लोग तो अपने आप ठीक हो जाएंगे इन्फेक्शन के बाद भी, 85% लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे, इस बात का आप विश्वास रखें। और ये एक्सपर्ट की राय है। जो कोरोना वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन से तक, ये कैसे होता है? राइट, ट्रांसमिशन के दो सबसे इफेक्टिव मोड हैं कोरोना वायरस के। पहला, ये रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन होता है। जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने खांसा, खांस दिया, कफिंग एंड स्नीजिंग, छींक दिया उसने, और वो भी अनप्रोटेक्टिव मैनर में खांसा और चीखा, उसने रुमाल नहीं रखा, प्रोटेक्शन नहीं रखा, और उसने खांसी और चीखा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वायरस छींकने के कारण, स्नीजिंग एंड कफिंग के कारण 1 मीटर तक जा सकता है। तो उस एरिया में जितने लोग, और दूसरी बात कि ये स्नीजिंग में ये एयरबॉर्न वायरस नहीं है, मतलब हवा के माध्यम से इसका प्रसार नहीं होता है, ये वाटर ड्रॉपलेट के माध्यम से इसका प्रसार होता है, और वाटर ड्रॉपलेट इन्फेक्टेड पर्सन से ज़्यादा 1 मीटर तक जा सकता है। तो पहला तो ये स्नीजिंग से और कफिंग से जाता है इन्फेक्टेड, और दूसरा जिसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक के द्वारा इन्फेक्शन कहते हैं, और दूसरा ये टच करने से, इन्फेक्टेड चीज़ों को टच करने से, जैसे इन्फेक्टेड सर्फेसेज हैं उसको आपने हाथ से टच किया, और उस हाथ को, हाथ से टच करने बाद से आप इन्फेक्टेड नहीं हो जाएंगे। हम ये अगर हाथ से टच होने के बाद, इन्फेक्टेड सरफेस से टच होने के बाद अगर कोरोना वायरस आपके हाथों में लग गया और आपने उस हाथ से अपने फेस को टच किया, फेस में भी स्पेशली आँख में, नाक में और मुंह के जब कांटेक्ट में कोरोना वायरस आएगा तो आप इन्फेक्टेड होंगे। तो ये दो तरीके से, टच से और स्नीचिंग एंड कफिंग से ये स्प्रेड हो रहा है। तो इसी चीज़ पे एहतियात बरतनी चाहिए लोगों को। yes. इस चीज़ों का ध्यान रखें। हाँ. कि अपने हाथ एक तो साफ सुथरा रखें, और कहीं भी टच करें तो ध्यान से टच करें। बिल्कुल। और अगर कहीं गलत जगह पे टच हो गया तो अपने हाथ साबुन से या सैनिटाइजर से धो। यस, टच में, ये तो प्रिवेंशन में क्या है। और मैं इसमें एक और बात बता दूं, एक्सपर्ट की राय ये है कि कई बार जो हेल्दी लोग मास्क पहन रहे हैं तो वो अपने कई बार इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मास्क जो आप पहन रहे हैं, पहली बात वो लापरवाही से पहन रहे हैं, और आपको मास्क से रिलेटेड जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो नहीं बरतने। बार बार आप मास्क ठीक करेंगे। मान लीजिए मैंने हाथ से इन्फेक्टेड सरफेस को टच किया और उसी इन्फेक्टेड हाथ से मैंने मास्क को ठीक किया, और उस तरह से अनजाने में मैंने इन्फेक्शन को अपने मुंह तक पहुंचा दिया, अपने मास्क को भी इन्फेक्टेड कर दिया, और जब मैं, और उसके बाद मैं इन ब्रीदिंग करूंगा तो अंदर जाएगा। तो मास्क पहने चाहे ना पहने, हाथ को बार बार आप सैनिटाइज करें, इसको साबुन और पानी से धोएं, और एक्सपर्ट बताते हैं कि कम से कम 20 सेकंड तक धोएं, 11 से 20 सेकंड तक धोएं, अच्छे से धोएं। और दूसरा, सैनिटाइजर अगर हाथ ना धो पाएं तो अच्छे सैनिटाइजर, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का यूज करें, और अच्छे से चारों तरफ लगाएं सैनिटाइजर को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO जी, उन्होंने इस बीमारी को, इस वायरस को, की जो महामारी है जी, उसको पैंडेमिक, राइट। तो एपिडेमिक और पैंडेमिक, इसमें क्या अंतर? एक्सेलेंट, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। जनवरी महीने में, 30 जनवरी को शायद, WHO ने इसको ग्लोबल थ्रेट के रूप में और एक पैंडेमिक के रूप में घोषणा कर दिया। अब महामारियों के संदर्भ में हम दो वर्ड यूज करते हैं, एपिडेमिक एंड पैंडेमिक। एपिडेमिक का मतलब यह है कि जब ये एक कम्युनिटी को या एक देश तक सीमित रहे, एक कम्युनिटी या एक देश तक कोई कंटेजियस वायरस का स्प्रेड, द स्प्रेड ऑफ कंटेजियस वायरस जब एक कम्युनिटी या एक कंट्री तक सीमित रहे तो ये एपिडेमिक कहलाता है। लेकिन यह बहुत तेजी से फैलने लगे, इंटरनेशनली कई देशों को एक साथ चपेट में ले ले, और इसको रोकने के प्रयास बहुत सफल ना हो और इंटरनेशनली कई देशों में फैल जाए तो ये पेंडेमिक कहलाता है। वर्तमान में कोरोना वायरस को WHO ने पेंडेमिक का रूप दे दिया है, पेंडेमिक के रूप में घोषणा की है इसकी। तो ये एपिडेमिक से पेंडेमिक स्टेज में आ गया है। जब तक ये चाइना में था, वुहान में था, लिमिटेड जगह पर था, तब तक वो एपिडेमिक था, बाद में ये पेंडेमिक बन गया। सोशल मीडिया में ये देखा गया है कि एक अफवाह चल रही है कि अल्कोहल पीने से ये बीमारी खत्म हो जाती है, और गर्म पानी पीने से, मतलब अलग अलग तरीके, अलग अलग नुस्खे बताए जाते हैं। सही है।
तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सोशल मीडिया तो एक तरह से मतलब अच्छी ज्ञान को भी फैलाने का एक माध्यम है और अफवाहों को भी फैलाने का माध्यम है, अधकचरे ज्ञान को भी फैलाने का एक माध्यम है और अच्छी चीज़ें भी फैल रही। कोरोना वायरस में भी अच्छी चीज़ें भी सोशल मीडिया पर आ रही हैं, बहुत इफ़ेक्टिव बातें भी सोशल मीडिया पर आ रही हैं और बहुत ही अफवाह और बेकार चीज़ें भी कोरोना के संबंध में सोशल मीडिया पर आ रही हैं। तो जहाँ तक अल्कोहल से कोरोना वायरस के प्रिवेंशन और क्योर की बात है, ये भी व्हाट्सएप पर चलने वाला एक अनूठा ज्ञान है जिसमें कोई बेस नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, एक आधारहीन तथ्य है ये। पीने वाले को तो पीने का बहाना चाहिए, आप जानते हैं, आपने सुना होगा पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। तो कोरोना वायरस फैला तो किसी ने ये अफवाह उड़ा दी कि अल्कोहल कंजम्पशन से कोरोना वायरस ठीक हो जाता है या उनको इन्फेक्शन नहीं लगता है। इस गलत फहमी में कोई भी ना रहे, कोरोना वायरस का अल्कोहल से कंजम्पशन से कोई रिलेशन नहीं है। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से अगर कोरोना वायरस को हम सैनिटाइज कर पाते हैं वो एक अलग कहानी है, लेकिन जब ये आपके आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो ये आपके ज़रूरत से ज़्यादा जब कंज्यूम करते हैं हैबिचुअली और जब आप कंज्यूम करते हैं तो आपके आप जानते हैं कि ये किडनी और लीवर को डैमेज करता है। जिस आदमी का किडनी और लीवर डैमेज या अफेक्टेड रहेगा, बायोलॉजी कहता है, मेडिकल साइंस ये कहता है कि उसकी इम्यूनिटी अपने आप कमज़ोर हो जाएगी। तो रादर अल्कोहल कंजम्पशन करने वाले लोगों में अगर कोरोना इन्फेक्शन हो जाता है तो इम्यूनिटी उनकी पहले से ही कम है, तो वहाँ डेथ रेट ज़्यादा होगा, उनको इन्फेक्शन के चांसेज भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह के किसी गलतफहमी में ना रहें और इस तरह की अफवाह ना फैलाएं। अल्कोहल कंजम्पशन हानिकारक था, कोरोना में भी हानिकारक है। ऐसा भी सुना जाता है कि टेम्परेचर मतलब वातावरण की गर्मी, वातावरण में अगर वातावरण गर्म हो जाता है जी तो भी ये वायरस खत्म हो जाता है, इसके बारे में क्या? राइट। अब जैसे व्हाट्सएप मैसेज बहुत, अब व्हाट्सएप में क्या प्रॉब्लम है कि जितने सारे मैसेजेज आते हैं, हम बहुत लोग हम में से बिना पढ़े कई बार और कई बार पढ़ के भी बिना ठीक से समझे, एनालाइज किए बिना, सत्यता की जाँच किए बिना उसको हम अंधाधुंध फॉरवर्ड करते हैं। अब एक मैसेज आ रहा है कि 20 से 26 डिग्री के बीच में, 26 डिग्री के बीच में अगर टेम्परेचर हो जाएगा तो कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। आप एक बेसिक फैक्ट जानिए कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, एक हेल्दी आदमी के आदमी का ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 36.6 डिग्री होता है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 36.6 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री पर कोरोना वायरस कहाँ से ख़त्म हो जाएगा? ये आज तक किसी साइंटिफिक, दूसरा आज के डेट में सिंगापुर और थाईलैंड जैसे कंट्रीज में कोरोना वायरस चल रहा है, ये सब ट्रॉपिकल कंट्रीज है जहाँ के टेम्परेचर 30 डिग्री एंड अबव रह रही है। तो सिंगापुर और थाईलैंड में जहाँ के टेम्परेचर 30 डिग्री एंड अबव है, वहाँ भी कोरोना स्प्रेड उसी स्पीड से हो रहा है। तो टेम्परेचर से ये वायरस ख़त्म हो जाएगा, इसका कहीं कोई आज तक साइंटिफिक बेस नहीं है। इस तरह के गलतफहमी में और अफवाह को ना माने, विश्वास करें और ना इसे फैलाएं। टेम्परेचर का इससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर सरफेस कोई नम है, सबस्ट्रेटम नम है, तो वहाँ नमी के कारण वायरस का सर्वाइवल टाइम ज़्यादा ज़रूर हो सकता है, ये ज़रूर है। ये बीमारी को में ज़्यादा से ज़्यादा कौन अफेक्ट जल्दी होता है, हाई रिस्क पेशेंट कौन है? राइट, हाई रिस्क जो एरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हाई रिस्क वाले कौन लोग हैं। देखिए, दो तीन तरह का जो ग्रुप है, पॉपुलेशन ग्रुप है, वो हाई रिस्क है। पहला, वेरी स्मॉल किड्स जो हैं, और 60 से ऊपर, स्पेशली 75 से ऊपर के लोग। वैसे तो 60 ऊपर से ही रिस्क शुरू हो जाता है ज़्यादा, लेकिन 70 एंड 70 अबव वाले लोग बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो सकते हैं, हाई रिस्क ग्रुप है। क्यों? क्योंकि इन दो एज ग्रुप में इम्यूनिटी लेवल इन जनरल कम होता है, अनलेस एंड अनटिल उस आदमी का जीवन बहुत संयमित नहीं है और उस आदमी ने अपना डिसिप्लिन लाइफ नहीं जिया है और उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो 60 के बाद के एज ग्रुप के लोग रिस्क ग्रुप में आते हैं और छोटे किड्स इसमें रिस्क में आते हैं। साथ ही साथ एक तीसरा रिस्क ग्रुप बहुत पावरफुल है, वैसे लोग
जिनको कोई ना कोई बड़ी बीमारी जैसे कि कैंसर, एचआईवी इन्फेक्शन या हार्ट प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, इस तरह की बीमारियों के अगर शिकार हैं या एक से ज़्यादा ऐसी बीमारियों के शिकार हैं, तो दो बातें हैं इसमें। ऐसे लोगों को इन्फेक्टेड होने का खतरा भी ज़्यादा है क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम पहले से ही डाउन होती है, और अगर वो इन्फेक्टेड हो गए तो उनकी मोर्टलिटी के चांसेस, डेथ के, मृत्यु की चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए ऐसे लोग, स्मॉल किड्स, हायर एज वाले, सीनियर सिटीजन्स, एल्डर पीपल, एंड थर्ड जो किसी न किसी कैंसर, एचआईवी, डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस एटसेट्रा ऐसे बीमारियों से ग्रसित हैं एक या एक से ज़्यादा, उनको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। ये हाई रिस्क ग्रुप है। क्या हम ये माने कि ये जो इतनी बड़ी महामारी है, तो प्रकृति कुछ सबक सिखाना चाहती है? बिल्कुल। देखिए क्या है, जब मैं अपने पापा से बात करता था, आपको एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पापा से हमारी मेरे पापा से, मेरे पिताजी से बहुत सारे विषयों पर हम खुल के बात किया करते थे। तो बचपन से पापा ने मेरे एक बात मुझे कहा, इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में फ़र्क बताया उन्होंने। ये किसी के श्रेष्ठ और कम श्रेष्ठ होने की बात नहीं, वो हमेशा कहा करते हैं, आज भी कहते हैं, कि भारतीय संस्कृति हमें ये बताती है कि प्रकृति से साम्य और संतुलन बना के जिए, जबकि वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है, पाश्चात्य जो सभ्यता है, प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहती है। इंडियन सिविलाइजेशन वॉन्ट्स टू लिव इन कोऑर्डिनेशन एंड इन सिंक विथ द नेचर, बैलेंस से, बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन वॉन्ट्स टू कंकर द नेचर, प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहती है। ये मौलिक अंतर है। अब भारतीय संस्कृति प्रकृति से सामंजस्य कैसे बना के चलती है? आप जानते हैं, एक अगर हिंदू सनातनी की चर्चा आप करें तो वो हर वृक्ष की, तुलसी की पूजा, पीपल की पूजा, बरगद की पूजा, हर वृक्ष की पूजा करता है किसी ने, कि हर जानवर की किसी न किसी रूप में, उसके यहाँ कुत्ता भी भगवान है, भैरव बाबा है, उसके यहाँ गाय की भी पूजा है, बैल की भी पूजा है, अधिकांश जानवरों की पूजा है। तो वो बैल ये क्या है? ये प्रकृति से, नदियों की पूजा करना, पहाड़ों की पूजा करना, वृक्षों की पूजा करना, ये प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना, उनके प्रति सामंजस्य से चलना और उन पर विजय प्राप्त करने की इच्छा नहीं। लेकिन जब आप विज्ञान के उन्माद में, साइंटिफिक डेवलपमेंट के उन्माद में, जब आप प्रकृति पर विजय करने का अहंकार पाल लेते हैं, तब प्रकृति एक बार करवट लेती है, एक सुनामी आता है और आपकी सारी की सारी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह जाती है। एक मेजर अर्थक्वेक आता है और सारी की सारी टेक्नोलॉजी बेकार हो जाती है। एक बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन आता है और आपकी पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पंगु बन जाती है। बात साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कमजोर करके देखने की नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अपनी उपयोगिता है और ये बहुत जरूरी है और इसने सिविलाइजेशन को बहुत आगे लेके ये गई है, लेकिन ये अहंकार पैदा नहीं करना चाहिए और प्रकृति को नष्ट करना करने की जो परंपरा शुरू हुई है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसके कारण, तो ये बहुत गलत है। और कोरोना वायरस भी, हम प्रकृति से सामंजस्य नहीं, आप देखिए चाइना में कीड़े मकोड़े, रेप्टाइल्स, मेढक, चूहे, खरगोश, सारे जानवरों को मार के खा जाने की परंपरा, ये आप प्रकृति से पर अत्याचार कर रहे हैं, आप उनका पूरा संतुलन बिगाड़ रहे हैं। और वहीं से एक एनिमल वायरस था, जो कोरोना वायरस एक एनिमल वायरस था, वो अब ह्यूमन वायरस बन गया और ह्यूमन में अब सस्टेन कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, स्प्रेड हो रहा है। तो ये प्रकृति कहीं ना कहीं एक तरह से आपको सबक देने की कोशिश कर रही है कि मानव अहंकार को छोड़ो, अपनी तुम विकास करो, लेकिन अहंकारवश और सब पर विजय प्राप्त करने, पशु पक्षी हर चीज को मार के खा जाना, हर चीज पर विजय प्राप्त करने की भावना से मत आगे बढ़ो, प्रकृति से सामंजस्य बना के चलो, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो की बेसिक मूल सिद्धांत को समझो। और इस सिद्धांत को नहीं समझोगे तो तुम इसके परिणाम भोगोगे। प्रकृति तो एक झटके में आबादी को बैलेंस कर देती है। आप देखिए मोहन भाई, आप देखिए प्रकृति कैसे बैलेंस कर देती है। आप एक महामारी फैलता है, आप देखिए महामारियों की दर दुनिया में कितनी बढ़ गई,
इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ गई, इसका स्प्रेड कितना बढ़ गया। आज हम कहते हैं कि वैज्ञानिक रूप से पूरा हम कितने डेवलप यूरोप, कितना डेवलप अमेरिका है, ये रॉकेट, ये मिसाइल, ये हेल्थ फैसिलिटी, ये सुपर कंप्यूटर, इतने रिसर्च, और कहाँ गया सारी चीजें। आज इटली जैसे डेवलप कंट्री में हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट, चाइना बहुत विकसित देश है, चाइना से ये शुरू हुआ और पूरी दुनिया में छा गया, 150 से ज़्यादा कंट्री अफेक्टेड हो गए। दुनिया के किसी देश के पास कोई जवाब नहीं है इसका कि इसको रोके कैसे, इसको फेस कैसे करें। 11,000 से ज़्यादा लोग मर गए, और चाइना के बाद अगर ज़्यादा संक्रमण देखा गया है तो इटली में। इटली में इसका इसकी क्या वजह, यूरोपियन देश है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल, अब चाइना के बाद, बिल्कुल सही कहा आपने कि चाइना के बाद सबसे ज्यादा इन्फेक्शन और सबसे ज्यादा डेथ, बल्कि आज की डेट में, आज हम 21 मार्च को हम बात कर रहे हैं, 21 मार्च की मैं बात करूं तो आज का जो आंकड़ा बताता है कि डेथ, टोटल नंबर ऑफ डेथ इटली में चाइना से भी आगे हो गया। इटली में 3,500 से ज्यादा लोग मर चुके, जो चाइना से भी ज्यादा हो गया। अब कमाल की बात है कि चाइना का पॉपुलेशन 1.5 अरब के आसपास है, 150 करोड़ पॉपुलेशन है, जबकि इटली एक छोटा सा देश है, मात्र 6 करोड़ का पॉपुलेशन है, और छोटा सा देश, 6 करोड़ का मात्र पॉपुलेशन, और हाईली डेवलप्ड यूरोपियन कंट्री जहां मेडिकल फैसिलिटीज और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाईली डेवलप है, फिर क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि 2-3 कारण है, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। पहला, चाइना में, इटली में एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ 60 से एबव लोगों की, उम्र वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इटली एक, हम भारत की तुलना में एक ज़्यादा बूढ़ा देश है, पहली बात। दूसरी बात, एक दूसरा फैक्ट मैं बताऊं कि हर साल चाइना से 40 लाख के करीब घूमने लोग इटली जाते हैं, चाइनीज लोग, 15 करोड़ चाइनीज, 40 लाख के लगभग पिछले वर्ष भी जनवरी फरवरी तक 40 लाख चाइनीज लोग इटली घूम के आए। अब इसमें से एक बहुत बड़ी संख्या में चाइनीज इन्फेक्टेड थे, जो खुद को भी पता नहीं था उनको, और इन लोगों ने इटली में इन्फेक्शन फैलाया है, और इटली का इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ का एजिंग पॉपुलेशन इसके लिए तैयार नहीं था, और इसलिए मोर्टेलिटी रेट इतना हाई हो गया कि आज डेथ इटली में दुनिया में नंबर 1, सबसे ज्यादा डेथ हो गया, मात्र 6 करोड़ का एक पॉपुलेशन वाला एक छोटा देश इटली, जबकि जहां इतना हाईली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये कारण, दो कारण है, एक तो एजिंग पॉपुलेशन, और दूसरा चाइना से 40 लाख से ज्यादा पर्यटक इटली घूमने जाते हैं हर साल, और जो मैक्सिमम इन्फेक्टेड थे उसमें से। चाइना की एक बात बड़ी सोचने वाली है कि तकरीबन सारा वायरस वहीं से उत्पन्न होता है। हाँ, ये बड़ी बहुत जबरदस्त बात है। मेरे पास एक डाटा है इससे संबंध में, मैं आपको बताऊं कि आपने जो ये सवाल पूछा, 1855 में ऐसा कहते हैं कि प्लेग चाइना से शुरुआत हुई, 1855 में, 1855। 1918 में फ्लू की शुरुआत चाइना से हुई, 1957 में एशियन फ्लू की, 1957 में एशियन फ्लू की शुरुआत चाइना से हुई, 2003 में सार्स की शुरुआत चाइना से हुई, H1N1, H2N2, और अभी तो उसके कितने स्ट्रेन आ गए, H2N9 तक, H7N9 तक उसके स्ट्रेन आ गए और अभी तक चल रहा है, इन सब की शुरुआत चाइना में हुई। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से पिछले साल चाइना में लगभग 13 करोड़ पिग्स मर गए, लगभग 50% ऑफ पिग्स पॉपुलेशन इन चाइना अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से मर गई। तो अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वहाँ भी एक तरह से प्रकृति से जंग चल रही है, चाइना में भी, वहाँ सब चीज़ों को आप देखिए, सांप को मार के खा जाना, बिच्छू को मार के खा जाना, चूहे को मार के छाना, कीड़े को, चींटियों को, आप मतलब कोई भी जानवर, सुअर को, गाय को, बैल को, घोड़े, गधे, कुत्ते, बिल्ली, सबको मार के खा जाना, अरे दुनिया में हर जीव का एक फिक्स्ड फूड है। आप मछली का एक भोजन है, कुत्ते का एक तरह का खास भोजन है, गाय का एक खास तरह का भोजन है, घोड़े का एक खास तरह का भोजन है, हाथी का एक खास तरह का भोजन है, सांप का एक खास तरह का भोजन है, शेर का एक खास तरह का भोजन है। ऐसा नहीं कि सब कुछ, सब आदमी एकमात्र जीव है,
जो कीड़े मकोड़े से लेके चींटी से लेके हाथी तक सबको मार के खाना चाहता है, और इसमें चाइना बहुत आगे। और इसलिए जहां एनिमल वायरस और ह्यूमन वायरस की सीमा है, वो सीमा को चीन लांग जा रहा है हर बार। कोविड 19 में भी, कोरोना में भी यही हुआ है। ये कोविड 19 बेसिकली कोरोना एनिमल वायरस था, लेकिन जब हमने एनिमल और ह्यूमन की सीमाएं समाप्त कर दी तो ये म्यूटेट होके इवॉल्व होके ह्यूमन वायरस बन गया। और इस तरह से नए नए वायरस ह्यूमन वायरस की श्रेणी में आ रहे हैं, क्योंकि हम वो सीमाएं प्रकृति से लड़ने, जंग करने के लिए हम इतने व्याकुल हैं कि वो सीमाएं हम तोड़ रहे हैं और प्रकृति के सामने हमको भुगतान उसका करना पड़ रहा है। और प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। प्रकृति से सामंजस्य, नेचर से कोऑर्डिनेशन में ही हम जीवित रह सकते हैं। तो अगर साइंस और स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें, तो ये कोरोना की वजह से इसमें कॉन्फ्लिक्ट राइट। अच्छा देखिए, अभी क्या है, सोशल मीडिया में तरह तरह के मैसेज आते हैं। अभी कुछ लोग ये मैसेज प्रसारित करने की, एक एक खास तरह का इंटेलेक्चुअल वर्ग है, वो ये मैसेज प्रसारित करने की कोशिश कर रहा है कि स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं कर पा रहा है, साइंस ही सब कुछ कर रहा है कोरोना से लड़ने में। पहली बात तो ये है कि क्या कोरोना वायरस स्पिरिचुअलिटी ने फैलाया है, रिलीजियोसिटी ने फैलाया है कोरोना वायरस? ये आदमी की प्रगति के घमंड ने और नेचर के हर चीज को अपने लिए उपयोग, रुथलेसली उपयोग कर लेने की एक जिद ने कोरोना जैसे चीजों को पैदा किया है। तो सबसे पहली बात, इसको साइंस वर्सेज स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। साइंस महान है, साइंस प्रगति कर रहा है, साइंस आगे बढ़े, लेकिन साइंस अपने साथ कितनी बुराइयां लेके आ रहा है। मानवता को और प्रकृति को और पृथ्वी को और वातावरण को नष्ट करने के कितने उपाय साइंस कर चुका है, अगर आप ईमानदारी से इसका एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसलिए इसको, इस बहस को इंटेलेक्चुअलिटी स्पिरिचुअलिटी वर्सेस साइंस ना करें। स्पिरिचुअलिटी अपना काम कर रही है, ध्यान प्राणायाम धार्मिक चीज़ों का अलग महत्व है जीवन में, ये अलग एक विषय है। साइंस का अलग महत्व है, इसके चीज को हम कम नहीं करते हैं। दोनों में कन्फ्लिक्ट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी ने कोरोना वायरस पैदा नहीं किया है, इसलिए स्पिरिचुअलिटी पर यह जिम्मेदारी नहीं आती है, पहली बात है। फिर भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अपना काम करती हैं। हर चीज को लेबोरेटरी में प्रूफ नहीं किया जा सकता है, और जो लेबोरेटरी में प्रूफ हो जाए वही चीज सही है, इस जिद से हमें बाहर आना चाहिए। लाइफ बहुत सटल लेवल पे काम करता है, लाइफ बहुत वाइब्रेशनल लेवल पे काम करता है। लाइफ की जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत सटल और सूक्ष्म है। हर चीज़ फिजिकल और लेबोरेटरी में प्रूव नहीं किया जा सकता, बहुत सारी चीज़ें, और फिर भी वो चीज़ें सत्य हैं। तो साइंस को अपना काम करना चाहिए। अगर साइंस इतना ही पावरफुल है, तो हमने अपनी चर्चा में कहा, हम साइंस की कैपेसिटी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे, लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि हमारे साइंटिफिक डेवलपमेंट की जिद ने और साइंटिफिक चीज़ों का अमानवीय गलत तरीके से यूज करने के कारण इन्वेंशंस और डिस्कवरीज के गलत तरीके से यूज करने के कारण मानवता संकट में आ रही है, खतरे में आ रही है? एक सिंपल एग्जांपल आपको मैं बताऊं। अभी दुनिया एबीसी वार को फेस कर रही है, एटमिक वार, बायोलॉजिकल वार और केमिकल वार। सिर्फ एटमिक वार पूरी दुनिया ने, मानव ने अपने साइंटिफिक डेवलपमेंट के घमंड में और गलत सोच के कारण इतने एटमिक हथियार बना लिए हैं, परमाणु बम और एटमिक हथियार बना लिए हैं पूरी दुनिया ने, कि इस पृथ्वी को 700 टाइम्स नष्ट किया जा सकता है। इतने एक एटमिक वेपन्स हमने बना लिए हैं पृथ्वी पर कि इस अर्थ को 700 टाइम्स नष्ट किया जा सकता है। आप जरा सोचिए, विज्ञान हमें प्रगति तो करा रहा है, लेकिन साथ साथ इसके गलत उपयोग से हम सुसाइड की तरफ भी बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस या जो बड़े बड़े जो नेचुरल कैलामिटीज आ रहे हैं, ये सारे इंटेलेक्चुअल्स को रुक के सोचना चाहिए कि प्रकृति से लड़ने, प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की जिद छोड़ के, वैज्ञानिक प्रगति के घमंड में प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की जिद छोड़ दें, प्रकृति से सामंजस्य बना के जिए, पेड़ से, जीवों से,
लीव एंड लेट लीव के प्रिंसिपल पर जिए, वो भी जिएंगे, हम भी जिएंगे, ऐसी महामारियों से शायद हम बच पाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और आप जब गहराई से सोचेंगे तो आपको इस बात में सत्यता जरूर महसूस होगी, अगर आप साइंटिफिक डेवलपमेंट के घमंड को साइड में करके जब सोचेंगे। 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आह्वान किया है जनता कर्फ्यू का। हाँ जी। और शाम को 5 बजे उस दिन तालियों से जितने हेल्थ वर्कर्स है उनको शाबाशी देने के लिए कहा है, उनको बधाई देने के लिए कहा है। हाँ। तो ये जो उनका आह्वान है और ये जो क्रिया वो करवा रहे हैं। हाँ। सारी जनता से जी। इसके बारे में आपकी क्या? बिल्कुल। अब देखिए, प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर फॉर कोरोना वायरस, ये बात हमें समझना चाहिए। और प्रिवेंशन कैसे, कोरोना को रोकना, जब आप जरा ध्यान से सोचिए, जब यूरोप और अमेरिका की सरकारें, चीन एक डेवलप्ड कंट्री है, वो कोरोना के स्प्रेड को नहीं रोक पाई और अभी तक 3 लाख से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं पूरी दुनिया में और 11,000 से ज़्यादा मर चुके हैं। और आपको ये मैं एक और बात बता दूं कि ये जो डाटा मैं बोल रहा हूं, ये सरकारों द्वारा दिया गया डाटा है जिसमें बहुत सारी जानकारी छुपाई गई है चाइना में और दूसरे देशों में। चाइना में शुरू में बहुत सारे डाटा, आप जानते हैं चाइना का बहुत सारा डाटा फर्ज्ड डाटा है, झूठा डाटा है, गलत डाटा है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन और टोटल नंबर ऑफ डेथ आज भी दुनिया जान नहीं पा रही कि एक्चुअली चाइना में कितना हुआ, लेकिन फिर भी हम डाटा को मान ले, फिर भी ये बहुत बड़ा है। 3 लाख से ज़्यादा लोग आज के डेट में इन्फेक्टेड हो चुके हैं और 11,000 से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। तो कोरोना जैसे कंटेजियस डिजीज को रोकना मात्र सरकारों की जिम्मेदारी, हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल की जिम्मेदारी नहीं है। मैं फिर कहूँगा कि हमारे हेल्थ प्रोफेशनल, हमारे डॉक्टर नर्सेज जो काम कर रहे हैं उनको सल्यूट करना चाहिए, जिस त्याग और बलिदान से अपने जीवन को दाव पर लगा के वो काम कर रहे हैं, पूरे देश को सल्यूट करना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो आह्वान किया है जनता कर्फ्यू का, जब आप सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे आप जोड़िए 12 घंटे 14 घंटे हुए, और रात के बाद आप तो घर में ही रहेंगे, तो अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो जाता है एक्चुअल में, वास्तव में, जब आप घरों से बाहर ना निकले। इसका परिणाम क्या होगा कि जो भी इन्फेक्टेड सरफेस है, जहाँ वायरस ऑलरेडी, अगर हम साइंटिफिक तरीके से सोचें कि जितने भी इन्फेक्टेड सर्फेसेज हैं, चाहे डोर है, डोर नॉब है, लिफ्ट है, और भी जितने टेबल हैं आपके, डाइनिंग टेबल है, ऑफिस टेबल है, कंप्यूटर है, और ऑफिस का कंप्यूटर है, इस सब चीज़ों पर जहां ऑलरेडी वायरस स्प्रेड हो चुका है, अगर 24 घंटे तक उनको कोई टच ना करे तो उनके स्प्रेड का साइकिल ब्रेक हो जाएगा। 24 घंटे में उसमें से मैक्सिमम इनइफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग सरफेस पर इनका सर्वाइवल टाइम अलग अलग है, लेकिन 24 घंटे तक अगर कोई इनको टच नहीं करेगा तो ये मैक्सिमम इनइफेक्टिव हो जाएंगे, वायरस का स्प्रेड का साइकिल ब्रेक हो जाएगा। और जब साइकिल ब्रेक होगा तो इसको, वायरस के स्प्रेड को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका होगी इसकी। साथ ही साथ अब तो आप देखिए चाइना ने कैसे कंटेन किया, चाइना ने अब वायरस से स्प्रेड को कंटेन किया है। कैसे कंटेन किया, पूरे चाइना को लगभग लॉकडाउन कर दिया गया, शटडाउन कर दिया गया। शटडाउन मतलब क्या, यही बात जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि आप घरों से ना निकलें सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक, और अगर 9 बजे के बाद आप कहाँ निकलेंगे, मतलब अगली सुबह निकलेंगे, मतलब 24 घंटे से ज़्यादा नहीं निकलेंगे, 24 घंटे का शटडाउन। और शायद मेरा ये अनुमान है कि यह शटडाउन को और बढ़ाना पड़ेगा। चाइना ने, इटली ने पूरा शटडाउन कर दिया, यूरोप के कई देश शटडाउन कर रहे हैं। तो अगर 14 घंटे का शटडाउन है तो ये तो बहुत इफेक्टिव हो सकता है। दूसरी बात जो आपने दूसरा पॉइंट लिया कि शाम के 5 बजे प्रधानमंत्री ने अपील की है कि पूरा देश ताली बजाकर या थाली बजाकर स्वास्थ्य, जो हमारे हेल्थ पर्सनल है, चाहे डॉक्टर हैं, नर्स हैं, उनके प्रति एक ग्रैटिट्यूड का भाव व्यक्त करें, उनके प्रति हम आभार व्यक्त करें। ये बहुत अच्छी भावना है। देखिए इसमें क्या होगा, जरा आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि कल शाम 5 बजे देश के कम अगर 130 करोड़ लोग एक साथ करतल ध्वनि करेंगे, तालियां बजाएंगे या थाली बजाएंगे, तो आप जानते हैं जब एक साउंड वेव खास
नंबर ऑफ पर्संस, आपने सुना है कि एक बहुत बड़ी संख्या में जब सैनिक कदम ताल करते हुए चलते हैं, साइंटिफिक फैक्ट है, बहुत बड़ी संख्या में जब सैनिक कदम ताल करते हुए चलते हैं और अगर वो पुल पर कदम ताल करते हुए बड़ी संख्या में सैनिक चले जाएं तो पुल टूट सकता है उनके वाइब्रेशन से, वाइब्रेशन में इतनी शक्ति होती है। इसीलिए जब सेना का एक बड़ा प्लाटून पुल से गुजरता है तो उनको कदम ताल करने से रोक दिया जाता है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो जब 130 करोड़ लोग एक साथ तालियां बजाएंगे तो और थाली बजाएंगे तो उससे जो साउंड वेव पैदा होगा, इससे किसी भी तरह के पैथोजन का, बैक्टीरिया वायरस का, उस पर उनके प्रसार प्रसार पर बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा और वो लोग वो उससे मतलब बचाव का एक बहुत बड़ा साधन बनेगा। दूसरा, 130 करोड़ लोग एक साथ जब एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड से भर के हमारे हेल्थ पर्सनल के लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मन में अच्छे भाव रखेंगे, जरा सोचिए इतने बड़े भूभाग में 130 करोड़ लोग एक साथ दुआ प्रार्थना में ताली बजाएंगे, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखेंगे, तो किस तरह का एक पायस वाइब्रेशन पूरे देश में फैलेगा और उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, ये एनर्जी साइंस पर जो रिसर्च कर रहे हैं वो लोग आपको बताएंगे। आप इस बारे में जो एनर्जी साइंस पर जो रिसर्च कर रहे हैं उन लोगों से पूछिए तो आप इस आपको ये महत्व बताएंगे, क्योंकि हमारे हर थॉट का भी एक वेव होता है और जब इस तरह के एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड का वेव निकलेगा तो पूरे भारतवर्ष में इसका सकारात्मक असर होगा। तीसरा, जब आप तालियां बजाते हैं जोर से तो आप जानते हैं हाथ में सारे नर्व्स के पॉइंट्स होते हैं, पूरे बॉडी से जो मेन नर्व्स निकलते हैं, तो जब आप जोर से तालियां बजाते हैं और लगातार तालियां बजाते हैं तो ये हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और एक और बात कि जब हम एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखेंगे तो जरा कल्पना कीजिए कि हमारे जो हेल्थ सोल्जर्स जो लड़ रहे हैं कोरोना से, उनका मनोबल कितना ऊपर जाएगा, तो ये हर तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। मैं कल शाम 5 बजे 5 मिनट तक अपने बालकनी में निकल के जरूर ताली बजाने वाला हूँ और इस टीवी चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से मैं निवेदन करता हूं कि आप बिना किसी बात को किसी ध्यान में लिए आप जरूर इस मुहिम में शामिल हों, कल जनता कर्फ्यू में शामिल हों और साथ में 5 बजे शाम को 5 मिनट तक हम सब पूरे देश में हेल्थ वर्कर्स को सल्यूट करें, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखते हुए जोरदार तालियां बजाएं, 5 मिनट तक उनका स्वागत करें, उनको एनकरेज करें। इट विल गो अ लॉन्ग वे इन द फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस एंड आवर कंट्री विल विन दिस बैटल। खूब खूब धन्यवाद सर। तो दर्शक मित्रों, ये थे हमारे साथ मुलाकात कार्यक्रम में रवि कुमार सर, क्वार्क इंस्टीट्यूट के मुख्य संचालक। खूब सारी बातचीत हुई, काफ़ी ज्ञान का आदान प्रदान किया उनसे। तो ये कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त करते हैं, दोबारा उपस्थित होंगे एक विशेष नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।